महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से महायुति और महाविकास आघाड़ी की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप के नेता शरद पवार ने इसका खुलासा किया है। बता दें, ठाकरे समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार और कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरे को लेकर अपनी राय रखें, वो उनका समर्थन करेंगे। कोल्हापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का फॉर्मूला कैसा होगा, इस पर टिप्पणी की है। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि नेता कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़की बहन योजना पर सरकार में विवाद है तो ये अच्छी बात है। हम अगले 2 महीने में लोगों के सामने जाना चाहते हैं। हम भले ही अलग अलग पार्टियों के साथ ही हैं, लेकिन एक सोच के साथ जनता के सामने जाएंगे, ये अच्छी बात है। बाकी घटक दल के लोग भी उनसे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई विवाद नहीं है, ऐसे सोचने का कोई कारण नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद संख्या बल निर्धारण करके किसे नेतृत्व दिया जाए इसका निर्णय करना पड़ता है। अभी चुनाव का कोई पता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा माहौल है कि राज्य को बहुमत मिलेगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूं। 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल का विरोध करने के लिए सभी से एक साथ आने की अपील की, सभी एक साथ साथ आए, चुनाव लड़े। नतीजों के बाद मुरारजी देसाई के नाम की घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट मांगते समय मुरारजी देसाई के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि नाम की घोषणा अभी कर दी जाए। शरद पवार ने यह भी कहा कि हम साथ बैठेंगे, एक विचार वाले लोगों का समर्थन पाकर इस राज्य में स्थिर सरकार लाएंगे। अब ऐसे में ये अब भी सस्पेंस बना हुआ है कि महाराष्ट्र का अगला CM कौन होगा।